नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे सिंगल फेज स्टार्टर में दोस्तों एम्पियर मीटर की वायरिंग कैसे की जाती है। जो अपने सिंगल फेज स्टार्टर होते हैं दोस्तों, उसमें सीटी नहीं लगी रहती, और एम्पियर मीटर कैसे काम करता है, उसमें उसकी वायरिंग कैसे की जाती है। चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। उसके लिए हमने दोस्तों एक एम्पियर मीटर लिया है 5 एम्पियर से लेके और अपना 15 एम्पियर तक इसका करंट वो है, और ये लोड की जगह दोस्तों हम 2 बल्ब का इस्तेमाल करेंगे। मोटर नहीं है, 2 बल्ब लगाएंगे। ये हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हैं दोस्तों, ये देखिए ये 2 बल्ब हैं, इनको हम पैरेलल में इनके पैरेलल में कनेक्शन कर लेते हैं। ठीक दोस्तों, ये टेप इसके बैलेंसिंग के लिए लगा रखे नीचे दोस्तों, इसको पैरेलल में कनेक्शन कर लेते हैं बल्ब के। ठीक है दोस्तों, ये पैरेलल में कर लिया इनके दोनों के। ये देखिए दोस्तों, हमने इसमें पैरेलल में इसके कनेक्शन कर लिए दोनों बल्बों के। ठीक है दोस्तों, ये न्यूट्रल हो गया, ये फेज हो गया, फेज में कनेक्ट हो जाएगा ये न्यूट्रल में। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मीटर का इसके एम मीटर के कनेक्शन करते हैं। ये हमारा एन मीटर के जो 2 टर्मिनल है दोस्तों, उसके हम माइनस, जो माइनस लिखा हुआ है उसमें एक वायर ये जो है हमारी बल्ब की, जो हमने 2 पैरेलल में कनेक्ट कर रखे हैं, यानी कि लोड वो कनेक्ट यहाँ इस टर्मिनल में टाइट कर देंगे दोस्तों इसको। इसको हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एम मीटर के जो माइनस लिख रखा है दोस्तों, ये प्लस और माइनस, माइनस में हमने बल्ब की जो 2 बल्ब पैरेलल में है उनको यहाँ कनेक्ट कर लिया दोस्तों। अब हम इसमें एक वायर कनेक्ट करते हैं, ये जो इधर प्लस लिखा है इसमें। ठीक है दोस्तों, और जो ये दोस्तों इसमें न्यूट्रल के लिए एक वायर और कनेक्ट कर लेते हैं, इसमें न्यूट्रल आएगा। ये दोस्तों हमने यहाँ न्यूट्रल के लिए वायर कनेक्ट कर लिया है, इस पर हम थोड़ी पीवीसी टेपिंग कर देते हैं दोस्तों इसको सेफ्टी के लिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब दोस्तों अपना काम, मीटर काम कैसे करेगा, ये जो अपनी जो इनपुट फेस है, इधर से फेस आएगा दोस्तों, और ये जो एम मीटर के अंदर से चला जाएगा। ये एम मीटर दोस्तों सीरीज में लगा दिया हमने, इसके ये लोड है इसके सीरीज में लगा दिया। चलिए दोस्तों अब इसमें पावर देते हैं, ये नीचे ये एक बार सपोर्ट के लिए लगा देते हैं ताकि। ये देखिए दोस्तों, अब हम इसमें पावर दे रहे हैं, और जैसे ही पावर देंगे दोस्तों इस पर जो लोड पड़ेगा, ये जो अपना कितना एम्पियर करंट जा रहा है वो दिखाएगा इसमें। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ये 200 वाट का लोड है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये अपने सिंगल फेज जो स्टार्टर होता है दोस्तों, उसमें सीटी नहीं लगी रहती, ये सीरीज में अपना एम मीटर लगा रहता है दोस्तों, कितना करंट ले रही है मोटर उसमें। ठीक है दोस्तों, ये अपना इसकी सीरीज में लगा रखा है दोस्तों, ये देखिए ये दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये अपनी जो सिंगल फेज जो सबमर्सिबल मोटर होती है उनके स्टार्टरों में दोस्तों सीरीज में ये लगा रहता है एम मीटर, और उसी से के करंट दिखाता है देखिए। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए हमारा चैनल इलेक्ट्रिक गुरु। जय हिंद।